माँ दुर्गा की शक्ति हूँ मैं भी पढ़ लिख सकती हूँ, पराया धन नहीं हूँ मैं। और इसी मानसिकता को बदलने के लिए 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम की शुरुआत की गई थी। लेकिन क्या 3 सालों में अभी तक मानसिकता बदल पाई है? जमीनी स्तर पर बेटियों की क्या स्थिति है? मेनका जी और उनके विभाग का आभारी हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा को पसंद किया। मैं मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि इस संकट को उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया है। लेकिन ये कार्यक्रम भले पानीपत की धरती पर होता हो, ये कार्यक्रम भले हरियाणा में होता हो, लेकिन ये संदेश हिंदुस्तान के हर परिवार के लिए है, हर गांव के लिए है, हर राज्य के लिए है। 22 जनवरी साल 2015 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की शुरुआत की थी, इस मुहिम के बाद लगा था कि शायद अब बदलाव आएगा, बेटियों की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन इन 3 सालों में बदलाव की कितनी बयार बही, ये जानने की शुरुआत हमने बेटियों की शिक्षा व्यवस्था से की, क्योंकि ये वही हरियाणा है जहाँ कई बेटियों को शायद इसलिए नहीं पढ़ने दिया जाता क्योंकि स्कूल जाते समय कुछ गंदी नजरें उन्हें घूरती हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2011 में महिला साक्षरता दर 65.46% रही। हरियाणा में 56.91% महिला साक्षरता दर रही। भारत सरकार की स्कूली शिक्षा 2011 और 12 के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा की 18.5% छात्राएं बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा की 56.15% साक्षरता दर रही है। महिलाओं का साक्षरता दर 37.58 रहा। यानी कि प्रदेश में बेटियां हर क्षेत्र में बेशक आगे बढ़ रही हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हालात ये है कि अपग्रेडेशन की मांग को लेकर आज भी बेटियां धरने पर बैठती हैं। 25 मई साल 2017 की बात करें तो रेवाड़ी में स्कूल अपग्रेड की मांग को लेकर बेटियां धरने पर बैठी। 19 मई साल 2015 की बात करें तो गुरुग्राम में 170 छात्रा स्कूल के बाहर धरने पर बैठी। स्कूल अपग्रेडेशन की मांग को लेकर स्कूल पर ही ताला जड़ दिया। पानीपत में 20 मई की बात करें तो 2 सालों से स्कूल अपग्रेडेशन की मांग को लेकर बेटियां धरने पर बैठी। ऐसे में स्कूलों की हकीकत भी जानिए। कहते हैं बेटियां अगर पढ़ लिख जाती हैं तो पूरी जनरेशन पढ़ लिख जाती है। ऐसे में सरकार की मुहिम शिक्षा व्यवस्था में कितना पहुंच पाई है और प्रदेश की बेटियां कितना पढ़ लिख पाई हैं ये बेटियों से जानते हैं। हम एक स्कूल में हैं जो लड़कियों का स्कूल है ये, और यहाँ पर लड़कियों से पूछते हैं सबसे पहले इस मुहिम के बारे में। बेटा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम क्या है? अभियान। अभियान है ये? क्या अभियान है ये? बेटी बचाने का। अभी तक ऐसा लगा कि बेटियों के साथ वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो लड़कों को मिल पाती हैं? यस मैम, वो बहुत ही अच्छी है। क्या अच्छा है इसमें? इसमें लड़कियों की बहुत अच्छे से देख रेख होती है। इसका फ़ायदा आपको लगता है कि आपको मिल रहा है? मिल रहा है। कोई बदलाव अभी तक देखने को मिला है आपको? लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाती है और लड़के लड़की में भेदभाव नहीं देखा जाता। आप बताइए अपना नाम। सोनिया। सोनिया कौन सी क्लास में हो? 12th क्लास में। ऐसा लगा है कि लड़कों को ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, हमें नहीं मिलती है? नहीं, ऐसा स्कूल में तो नहीं देखा जाता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में समाज में देखा जाता है, हमारे साथ भेदभाव होता है, आज भी होता है। क्या भेदभाव देखने को मिलता है? जैसे लड़कियों को भी शिक्षा के लिए इतना घर पर प्रोत्साहित नहीं किया जाता, लेकिन लड़कों को किया जाता है। कितने भाई बहन हुआ? हम 3 बहनें हैं। भाई? भाई नहीं है। कभी लगा कि आस पड़ोस में ये बोला जाता है कि भाई नहीं है, 3 बहनें हैं और कैसे आगे घर चलेगा? हाँ, सुनते हैं ये। अभी नहीं लगता कि लोगों की मानसिकता में बदलाव कुछ आया है?
नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में इतना नहीं आया, थोड़ा बहुत तो आया, लेकिन हमारे घर में ऐसा भेदभाव हमारे साथ नहीं होता, लेकिन समाज में जो होता है उसे देखकर बुरा लगता है। पापा क्या करते हैं आपके? पापा खेतीबाड़ी करते हैं। खेतीबाड़ी करते हैं। और दो छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं? एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। अंजना कौन सी क्लास में हो? दसवीं में। आपको लगता है जो मुहिम सरकार की ओर से चलाई गई उसका फायदा मिल पा रहा है? हाँ। क्या फायदा मिला है आपको बताओ? अच्छा, कहाँ, कितनी दूर से आते हो आप स्कूल के लिए? बस मिलती है आपको? रोडवेज से आता है। रोडवेज बस में आते हो? सुबह कितने बजे बस लेते हो? 9 बजे। 9 बजे। और शाम को कितने बजे तक स्कूल ओवर होता है आपका? 4 बजे। 4 बजे। तो शाम के टाइम जाते हुए या आते हुए अपने आप को सेफ महसूस करते हो? आप सुरक्षित महसूस करते हो? आपका नाम क्या है? सोनिया। सोनिया कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। 12th में। आप खुद को बाहर सुरक्षित महसूस करते हो? मैम, माहौल को देख के तो ऐसा नहीं लगता है। हर जगह लड़के खड़े मिलते हैं, ना जाने कहाँ पे, ऐसे तो महसूस होता है कि मैम हमारे साथ क्या पता क्या हो जाए। सुरक्षित तो मैम बिल्कुल भी नहीं लगता अपने आप को। कभी आपको लगता है कि असुरक्षा की वजह से आपको स्कूल छोड़ना पड़ सकता है, या पेरेंट्स कभी कहते हैं कि स्कूल मत जाओ, स्कूल छोड़ दो? नो मैम, मेरे पेरेंट्स तो नहीं कहते हैं। अच्छा मैम, लेकिन हमेशा कहते हैं जितना आपको पढ़ना है हम आपको पढ़ाएंगे। कितने भाई बहन हो आप? मैम 4 है। 4 बहनें? नो मैम, 2 भाई 2 बहन। 2 बहनें। पूरा प्यार मिलता है? कभी नहीं लगता है कि लड़कों को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, मम्मी पापा हमें कम कर रहे हैं? नो मैम, ऐसा नहीं। मैम बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता कुछ लड़कियों को। क्यों नहीं भेजा जाता? उन्हें डर रहता कि कहीं कुछ लड़कियों के साथ होना चाहिए। आपके आसपास अभी तक ऐसा हुआ है? मैम होता कभी कभी। कितनी आपकी सहेलियों को या आसपास देखा आपने कितनी लड़कियों ने इस वजह से स्कूल छोड़ दिया हो? मैम ये तो नहीं देखा। टीना, जो मुहिम है सरकार की उसका फायदा मिल रहा है? कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। ठीक है। आप बाहर जाते हो, बस में ट्रैवल करते हो, कितनी दूर से आते हो घर से? गांव में। गांव में ही है तो पास का फायदा मिल पा रहा है, आसपास पूरी सुविधाएं मिल पाती हैं आपको? यस मैम। पूजा कौन सी क्लास में हो? 11th में। आपको लगता है मुहिम का फायदा मिल रहा है? कुछ हद तो मिल रहा है, लेकिन कुछ हद तक नहीं मिल रहा। कैसे नहीं मिल रहा है? जैसे घर वालों की तरफ से भी नहीं और सरकार की तरफ से भी नहीं, लड़कियों को शहर में नहीं भेजा जाता पढ़ने के लिए। प्लस टू के बाद शादी के दबाव बना दिया जाता है। ठीक है। कैसे स्कूल, घर कितना दूर है यहाँ से? यही है, पास में। पास में ही है। ठीक है। और आसपास जाते हुए आपको लगता है कि खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हो आप? गाँव में तो फिर भी, लेकिन फिर भी नहीं, कहीं कहीं मिल जाती है परेशानियाँ लड़कों को। स्कूल से दूर आना जाना हो पाता है कभी बाजार के लिए, या गांव से कभी बाहर निकलना हो पाता है? हाँ हो पाता है, घर वाले साथ जाते हैं, लेकिन फिर भी रहता डर वाला फिर भी। और क्या कुछ होना चाहिए लड़कियों के लिए कि उन्हें आने जाने में डर ना लगे, या शिक्षा व्यवस्था के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो डर ना लगे? लड़कियों को बस की सुविधा नहीं दी जा रही गाँव से शहर तक जाने के लिए स्कूलों में, और भी कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो नहीं मिल पाती, और छेड़खानी कभी बसों में भी यहाँ तक की छेड़खानी का डर रहता है, उनके लिए महिलाएं बस सुविधाएं देनी चाहिए। और लड़कियों को कॉलेजों में भी भेजा जाने लगा है। अच्छा, बाहर आने जाने में अभी भी डर लगता है आपको? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं डर लगता? नो मैम। पेरेंट्स कभी नहीं कहते कि अकेले मत जा, भाई को साथ लेके जाओ? नो मैम, नहीं कहते? नो मैम। आसपास और कहाँ जाते हो आप? आसपास मैम स्कूलों में, कई बार बाहर भी जाते हैं, शहरों में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हमें कोई डर नहीं है। और आगे बढ़कर आप क्या बनना चाहते हो? मैम IAS। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है मैम, उसके बाद जो बहुत सारी लड़कियां मैम उन्हें कॉलेज में भी जाने दिया जाता है, और यह माना जाता है कि जब एक लड़की शिक्षित होती है तो उसके साथ साथ 2 परिवार भी शिक्षित होते हैं। इस अभियान के बाद हमारे स्कूल में सभी लड़कियों को कॉलेज में भेजा जाता है और उन्हें पढ़ने के लिए मौका दिया जाता है सभी लड़कियों को, और लिंग अनुपात में भी बहुत वृद्धि हुई है। ठीक है। कितना दूर है आपका घर यहाँ से? मैम थोड़ी सी दूर है। अच्छा, और कॉलेज कितना दूर है? मैम कॉलेज रोहतक में है। रोहतक जाना पड़ता है। कितना दूर है यहाँ से रोहतक, कितने किलोमीटर पड़ता होगा? मैम 4-5 किलोमीटर दूर है। ठीक है। तो बस की सुविधा मिल पाती है? यस मैम। अच्छा। मैम रोडवेज बस चलती है, और मैम कई लड़कियाँ ऑटो में भी जाती है। अच्छा। हमारे स्कूल में वैसे तो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, यहाँ पे उचित सुविधाएं हैं, वैसे हमारे स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर लड़कियाँ चाहें तो और भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं।
जी बिल्कुल, हमें भी और हमारी फैमिली को भी, क्योंकि पहले लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो पेरेंट्स वो काम करते थे उनको इतना वेतन नहीं मिलता था। अच्छा। और वे बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते थे, और अब इसके तहत मतलब की बच्चों को भी फायदा हुआ है और माता पिता को भी। स्कूल के प्रिंसिपल पूनम सिंह जी से जानते हैं कि लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए, लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी करने के लिए एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अपनी जिम्मेदारी को एक टीचर को किस तरीके से निभाने की ज़रूरत है। मैडम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो मुहिम जो सरकार की ओर से, चाहे बेटी बचाओ की हो मुहिम, चाहे इससे पहले की भी सरकारों ने मुहिम चलाई है, उस मुहिम के साथ बच्चों को जोड़ने के लिए, उनके पेरेंट्स को जोड़ने के लिए आप लोग किस तरीके से कदम उठाते हैं? देखो, सबसे पहले तो हमारा ये होता है कि जैसे यहाँ ज्वाइन करने के बाद मैंने एक मंथली मीटिंग फिक्स की हुई है। अच्छा। जिसमें हम पेरेंट्स को ये बताते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या क्या स्पेशल स्कीम्स गर्ल्स, स्पेसिफिकली गर्ल स्टूडेंट्स के लिए इम्प्लीमेंट कर रही है। तो और उसमें हम ये बताते हैं कि भी इवन स्कूल में भी कि भी 9 to 12th हम अपने बच्चों को, जैसे 6 to 8 तक तो बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, लेकिन 9 to 12th भी हम ये कोशिश करते हैं कि भाई चाहे किसी कोई जो आप हमारी है जैसे सोशल सर्विस वाली वो होते हैं कुछ, या कोई भी हम इस तरह का जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं स्कूल में, तो हम स्पेसिफिकली ये कहते हैं कि भाई आके गर्ल्स स्कूल में आप उन बच्चों को मोटिवेट करो। और पेरेंट्स का ये रहता है हमें कि हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर बेटी पढ़ेगी तो वो आगे भी अपना घर अच्छे से चलाएगी और कॉन्फिडेंस अलग होता है उन बच्चों में। ठीक है मैम, आप सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि आपको इतने टाइम हो गया है स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए, तो ऐसे में क्या क्या देखा है, कैसे कैसे लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, कैसे कैसे लोग उन्हें स्कूल में नहीं आने देते हैं, या रास्ते में स्कूल से लेकर घर तक का जो समय होता है उसमें उन्हें कभी छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ता है, ऐसे कितने इंसिडेंट आपके सामने आ चुके हैं? बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे यहाँ ज्वाइन करने से पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में थी, तो वहाँ पे हमारे पास जो थे वो गांव से भी, ग्रामीण परिवेश से भी लड़कियाँ आती थी, तो मैंने ये देखा कि पेरेंट्स जो हैं उनमें पहले से जागरूकता इतनी थी कि भी बच्चों का टाइम ना वेस्ट हो, तो वो हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते थे कि भी बच्चियाँ हैं कि भाई गाँव से आएंगी जाएंगी, बसेज हैं या देर सवेर होगी, तो हॉस्टल फैसिलिटी वो बच्चों को ये होता था कि भाई इस तरह के स्कूल में एडमिशन हो जाए जहाँ हॉस्टल हो लड़कियों के लिए। और फिर मैंने कुछ ये भी देखा कि कुछ पेरेंट्स तो इतने अलर्ट होते थे कि वो खुद अपने बेटियों को छोड़ने आते थे और लेने भी आते थे कि भी समहाउ इस तरह की कोई मिस हैपनिंग ना हो, या फिर उन्होंने अपना एक जैसे कॉमन कोई भी फोर व्हीलर या इस तरह का लगाया हुआ था और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी रखते थे। यानी कि कहीं ना कहीं डर तो लोगों में देखने को ही मिलता है। आप अपने बारे में मैम थोड़ा सा बताइए कि आप उस टाइम में और इस टाइम में बेटियों के प्रति क्या कुछ मानसिकता में बदलाव आए हैं और क्या कुछ और ज़्यादा अच्छा होने की भी ज़रूरत है? अगर शहरी परिवेश की हम बात करें तो मेरा जैसे जो भी बैकग्राउंड रहा है वो शहर का रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं लगा कि भाई पहले कुछ कम वो मिलता था और अब कुछ ज़्यादा बच्चों के लिए स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए किया जा रहा है। लेकिन अगर जैसे जॉब मेरी जो है वो ग्रामीण परिवेश में रही है, इससे पहले 9 साल मेरी रुकी पोस्टिंग थी, तो वहाँ मैंने देखा स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया तो 10वीं के बाद ही वहाँ जैसे पेरेंट्स आके बोलने लगते थे बस मैडम बड़ी होगी अब तो ब्याह देंगे हम, इस तरह की बातें होती थी। तो धीरे धीरे मैंने उनको कहना शुरू किया कि भाई आप लोग मतलब या तो आप पल्ला झाड़ रहे हो या ये सोच रहे हो कि भाई हमारी जो है वो एक तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, हमने शादी कर दी दैट्स ऑल। तो उनको बहुत मैं मोटिवेट करती थी, वो कहते थे नहीं मैडम बहुत माहौल ख़राब है भाई, यहाँ से शहर में जाएंगी रास्ते में पता नहीं क्या हो जाए। तो फिर मैं उनको हमेशा ये एग्जांपल देती थी भाई हम भी तो जाते हैं या शहर की भी तो लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो आप ये लोग क्यों ये बात क्यों सोचते हो भाई गाँव से ही लड़कियाँ जाएंगी तो ही कोई मिस हैपनिंग होगी। तो 2-3 साल में मुझे लगा कि जैसे मेरे बार बार बोलने से, मैं मीटिंग बुलाती थी खासतौर से मदर्स को मैं कॉल करती थी कि भाई आप लोग ये बताओ कि भाई आप लोगों को नहीं लगता कि बेटियाँ हमारी पढ़ें हैं, उनमें थोड़ा सा आप जैसे भाई हम भी तो बेटियां हैं। और जो मेरे पास स्टाफ था तो वो वहाँ लेडीज़ ज़्यादा थी, मैंने कहा इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो ग्रामीण परिवेश से और फिर शादी के बाद भी पढ़ी हैं, तो आप लोग क्यों नहीं ये सोचते, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, बेटी में कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा आपको भी यूँ लगेगा कि भाई बेटी है वो थोड़े जो आपके राइट्स हैं उनके बारे में भी आपको बताएगी। तो 2-3 साल में मुझे ये लगा था कि मतलब हमारी जो 10th के बाद एकदम से स्ट्रेंथ कम होती थी वो इम्प्रूव होने लगी थी। यानी कि कहीं ना कहीं 2-3 साल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का असर
ज़्यादा नहीं कहें लेकिन कुछ लोगों पर पड़ना शुरू हो गया है और इसका आगे आने वाले दिनों में फायदा देखने को मिल सकता है। बेटियों को बेशक आज भी स्कूल जाने में डर लगता है, लेकिन इसी हरियाणा में लिंगानुपात में जरूर सुधार हुआ है। मुहिम चलाई गई है मोदी सरकार की ओर से, उसका फायदा आपको मिल रहा है? यस मैम। क्या फायदा मिल रहा है? हमारे गांव में लिंगानुपात लड़कियों का बढ़ा है। पहले स्कूल में लड़कियां कम जाती थी, लेकिन अब हर लड़की स्कूल में जाती है। 2016 में हरियाणा में लिंगानुपात 901 के आंकड़े पर पहुंच चुका है। 2001 में 1000 लड़कों पर 889 लड़कियां थी। हरियाणा में 12 जिले हैं जहां का लिंगानुपात औसत से कम है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक, करनाल, कैथल, पानीपत, भिवानी, झज्जर, अंबाला और यमुनानगर में स्थिति बेहद ही खराब है। सुधरता लिंगानुपात बेशक एक अच्छी खबर लेकर आया है, लेकिन इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के जरिए बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कूलों में शौचालय व्यवस्था भी अच्छी रखने की जरूरत है, लेकिन हालात अभी भी खराब हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं है। एक आरटीआई के जवाब में हरियाणा सरकार ने खुद बताया कि 140 स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय नहीं है। हरियाणा के 140 सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। साल 2016 और 17 में UDIESE रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में 5000 छात्राओं और शिक्षिकाओं को शौचालय की सुविधा नहीं मिलती। 2015 और 16 की रिपोर्ट के मुताबिक 51 स्कूलों में लड़कियों के लिए बनाए गए शौचालय काम नहीं कर रहे। शौचालयों के लिए भी अलग अलग से मुहिम चलाई गई है। स्कूल में शौचालयों की क्या स्थिति है ये आप देख सकते हैं। इस स्कूल में शौचालय अलग अलग लड़कियों के लिए बनाए गए हैं और जितना अच्छा इसे किया जा सकता था उतना अच्छा फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन शौचालय व्यवस्था इस स्कूल में है और साफ सफाई और भी शायद होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर फिलहाल देखने के लिए नहीं मिल रही है। क्योंकि बेटियों के लिए शौचालय होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि बेटियों को पूरी तरीके से शौचालय नहीं मिल पाता है, उन्हें खुले में जाना पड़ता है, उसकी वजह से उन्हें कई सारी बीमारियों का शिकार तक होना पड़ता है। लेकिन इस मुहिम की द्वारा जो व्यवस्थाएँ देखने को मिलनी चाहिए थी वो शायद देखने को नहीं मिल पा रही हैं। यानी कि हालातों में सुधार तो बेशक देखने को मिल रहा है, लेकिन सही मायनों में सुधार तभी होगा जब हर स्तर पर सुधार की शुरुआत होगी। कैमरामैन आकाश के साथ मनीषा यादव, जनता टीवी।